साथियों, पिछले 5 साल में देश में निष्ठा के साथ काम करने का, पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने का माहौल आज देश में सर्वत्र दिखाई देता है। इस माहौल ने देश को बड़े लक्ष्य तय करने और तय समय में पर उसे प्राप्त करने का हौसला दिया है। भारत में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो, लोगों की ईज ऑफ लिविंग के लिए हर स्तर पर योजनाएं हो, देश की ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्ट करना हो, हर मोर्चे पर काम चल रहा है और पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। साथियों, मैं जिस ट्रांसफॉर्मिंग विद इंटेंसिटी की बात आपसे कर रहा था, वो आंकड़ों में भी नजर आती है। तेज गति से जमीनी स्तर पर काम करने का ही नतीजा है कि सिर्फ 5 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 79 रैंक्स का सुधार आया है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में जिस तेज गति से नीतियां बनाई गई, निर्णय लिए गए, उसी का असर है कि सिर्फ 5 साल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 20 रैंक का सुधार आया है। लगातार कई सालों से एफडीआई आकर्षित करने वाले दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में बने रहना भी भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, बीते कुछ वर्षों में देश में एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन आया है युवा उद्यमियों की संख्या में। आज देश के युवा उद्यमी नए आइडियाज, नए बिजनेस मॉडल लेकर के सामने आ रहे हैं। अब वो दौर भी बीत रहा है जब इंडस्ट्री के कुछ खास सेक्टर्स जैसे कॉमोडिटीज, माइनिंग, हैवी इंजीनियरिंग पर ही जोर रहता था, हमारे आज के युवा नए सेक्टर्स को भी विस्तार दे रहे हैं। और इसमें भी खास ये कि देश के छोटे से छोटे शहरों से निकलकर ये नौजवान बड़ी मंजिलें हासिल कर रहे हैं।